एवरीबॉडी, तो मैं आज आपको डिटेल्स देने वाली हूं कि जो हमारा ग्रुप टू का बैच स्टार्ट हो रहा है, दैट इज एकाग्रता, जो हमारा बैच का नेम है, जो स्टार्ट हो रहा है 1 जून से, जिसमें मैं आपका ऑडिट का सब्जेक्ट लेने वाली हूं। तो मैं आपको कुछ बताना चाहती हूं कि मैं आपको इस बैच में ऑडिट कैसे करवाने वाली हूं, राइट? बिकॉज इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू नो कि किस तरीके से हम अपनी सब्जेक्ट को कवर करने वाले हैं इन द क्लासेस, किस तरीके से हम जनरली ऑडिट को मैं आपको क्लास में प्लस क्लास में कैसे कवर करवाती हूं। तो सबसे पहली चीज, मेरा प्राइम फोकस जब हम ये ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं, हमारा प्राइम फोकस इस बैच में रहेगा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पे। बिकॉज आई बिलीव कि अगर आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है तो आप कोई भी क्वेश्चन, किसी भी तरह का क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में अपीयर कर सकते हो। और अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की अच्छी होती है तो आपका आंसर राइटिंग भी बेटर होता है। बिकॉज इफ यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट प्रॉपरली, दैट्स व्हेन यू विल बी एबल टू प्रेजेंट दैट क्वेश्चन नाइसली इन द एग्जाम, राइट? द प्राइम फोकस इज गोइंग टू बी ऑन द कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। सेकेंड थिंग जो मैं अपने बैचेस में करवाती हूँ, दैट इज मेकिंग नोट्स इन द क्लास। देखो, मैं ये चीज बिलीव करती हूँ कि अगर आप मेरे साथ क्लास में नोट्स बनाएंगे, अपने नोट्स चार्ट्स अगर आप खुद से बनाएंगे, तो उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग कॉन्सेप्ट्स की बहुत अच्छी हो जाएगी, फर्स्ट थिंग। एंड सेकेंडली, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी रिविजन्स में भी। तो हमेशा मैं ऑडिट के बैचेस में नोट्स साथ में क्लास में बनवाती हूं, तो जो चैप्टर्स आप कवर करेंगे, साइमल्टेनियसली हम उन चैप्टर्स के नोट्स भी बनाने वाले हैं। तो अगर आप इस बैच में एनरोल्ड हैं, तो मेक श्योर कीजिएगा आप एक सेपरेट बिग A4 साइज का नोटबुक लेकर आइएगा, ताकि आप क्लास में पहले ही दिन से मेरे साथ नोट्स बनाना स्टार्ट कर दें। तो सेकेंड थिंग, लाइक आई टोल्ड यू, हम क्लास में नोट्स बनाने वाले हैं, तो इट विल बी वेरी 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 इंटरेस्टिंग। एंड आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी है वो तो ऑफकोर्स ओपी होने ही वाली है, और नोट्स भी आपके साथ में ओपी बनने वाले हैं। थर्ड थिंग जो मैं अपनी क्लासेस में करवाती हूँ, देखो, यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड यू हैव टू स्टडी स्मार्ट ऑल्सो। तो आप लोग को सबको पता है, ऑडिट में 30 मार्क्स जो है वो MCQ का वेटेज होता है, और 14 मार्क्स ट्रू फॉल्स का वेटेज होता है। तो 44 मार्क्स, दैट इज अ वेरी 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 गुड स्कोर। जो 44 मार्क्स का जो स्कोर है ना, ये आप MCQ ट्रू फॉल्स से गेन कर सकते हो। तो मैं हमेशा हर चैप्टर, आपको एक चैप्टर पढ़ाने के बाद आपको उस चैप्टर के ऊपर बेस्ड पिछले 5 अटेम्प्ट में, RTPs में, MTPs में जो आपके सवाल पूछे गए हैं, उस चैप्टर्स में से जो MCQs, ट्रू फॉल्स, PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं उस चैप्टर में से, उसकी एक शीट आपके साथ शेयर करूंगी। आफ्टर रीडिंग एवरी चैप्टर, आई एम गोइंग टू बी शेयरिंग विद यू ऑल वन शीट ऑफ MCQ, ट्रू फॉल्स। ये शीट आप सॉल्व करेंगे और फिर हम उसका डिस्कशन करेंगे इस शीट का। तो ये शीट क्या होती है? इट्स अ काइंड ऑफ टेस्ट। जब हम एक चैप्टर पढ़ लेते हैं, तो हम कैसे एनालिसिस करें कि ये चैप्टर में बहुत अच्छे से क्लियर हो गया, बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए, इस चैप्टर पे बेस्ड कोई भी सवाल आए तो हम कर सकते हैं, जब हम प्रैक्टिस करें। तो प्रैक्टिस शीट आपको हर चैप्टर के बाद दी जाएगी, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। एंड आप जब मेरे साथ पढ़ेंगे इस क्लास में, तो मैं आपके साथ साथ में जो भी कीवर्ड्स है, क्योंकि देखो, सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ने से कुछ नहीं होता, आपको एट दी एंड 3 आवर्स में जो पेपर प्रेजेंट करके आओगे, उस बेसिस पे ही आपको स्कोर मिलेगा। तो जो मैं नोट्स आपको बनाने वाली हूं, उस नोट्स में हम साथ साथ में कीवर्ड्स भी मार्क करेंगे, और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपको आंसर्स को प्रेजेंट करके आना है एग्जाम में। तो पेपर प्रेजेंटेशन की भी तैयारी हम स्टार्टिंग डे से ही करेंगे। तो हर दिन मैं आपको एक सवाल दूंगी, उस सवाल को आपको अपने आप लिखना है। तो मैं आप लोगों के नोट्स तो बनाने वाली हूं, साथ में हर चैप्टर के बाद आपके जो MCQ ट्रू फॉल्स शीट शेयर होगी वो तो होगी, उसके अलावा एवरी डे मैं आपसे एक क्वेश्चन लिखवा के प्रैक्टिस करवाऊंगी। उससे क्या होगा, आपकी शुरुआती दिन से ही पेपर प्रेजेंटेशन की तैयारी भी स्टार्ट हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, इमेजिन 3 मंथ्स का हमारा बैच होने वाला है, तो आप सोच लीजिए 3 महीने में कितने सारे क्वेश्चंस आप लिख के प्रैक्टिस कर पाओगे। सो यस, दैट इज गोइंग टू बी द रिचुअल फॉर दिस बैच ऑफ ग्रुप 2। तो देखो, आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल कि इस ग्रुप 2 के बैच में जो ऑडिट का सब्जेक्ट मैं लेने वाली हूं, इसे कैसे तैयार करेंगे। तो दिस इज द वे जिसे हम तैयार करेंगे। आई होप ऑल ऑफ यू ऑल आर रेडी, बिकॉज आई एम सुपर रेडी फॉर दिस सब्जेक्ट ऑफ ऑडिट। एंड साथ साथ में मैं आपको एक और चीज बताने वाली हूँ, आई होप दैट यू गाइज आर अवेयर, अनअकैडमी पे अभी एक ऑफर चल रहा है। ये ऑफर वैलिड है 22 मई से 26 मई के बीच में, ये जो डेज है इसमें ये ऑफर वैलिड है।
ऑफर गोज विद, अगर आप अनअकैडमी का आज इन दिनों में, दैट इज 22nd जो कि कल था, 22nd से 26th मई के बीच में अगर आप अनअकैडमी को सब्सक्राइब करते हैं, ऑफर इज वैलिड फ्रॉम 22nd टू 26th ऑफ मे. इफ यू सब्सक्राइब ऑन टू द अनअकैडमी यू गेट 20% ऑफ ऑन योर अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन. तो ये ऑफ कभी कभी आता है, तो इस ऑफ का जो बेनिफिट है आप बिल्कुल अवेल कीजिए. एंड अनअकैडमी पे सब्सक्राइब करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हो, दैट इज CA दीपिका. तो दीपिका मेरा नाम है और CA मैं हूं, तो आप कोड यूज कर सकते हैं CA दीपिका. और मेरा एक और कोड है, दैट इज दीपू. तो आप CA दीपिका या दीपू दोनों कोड में से कोई भी कोड यूज कर सकते हो अनअकैडमी को सब्सक्राइब करने के लिए. अगर आपको मेरे क्लासेस पसंद है, अगर आप इस बैच में एनरोल होना चाहते हो, अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद है, तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए अनअकैडमी और आ जाइए ग्रुप 2 की प्रिपरेशन हमारे साथ स्टार्ट कीजिए. आई एम वेटिंग फॉर यू ऑल. सी यू इन द क्लासेस.